अस्सलाम शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ क्लास सिक्स एंड द सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। टुडे इज़ 12th of April एंड 2021। आर टॉपिक इज़ आर ड्यूटी टू आर फ्लैग। इन द लास्ट टू और थ्री लेक्चर्स वी हैव लिसन्ड अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ हियर वी आर ऑन द कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन। हु रोट आर ड्यूटी टू आर फ्लैग, ये पोइम किसने लिखी है? आर ड्यूटी टू आर फ्लैग। एडगर एलन गेस्ट ऑन एन अमेरिकन पोइट रोट दिस पोइम। एडगर एलन गेस्ट अमेरिकन पोइट है, उसने ये पोइम लिखी थी। व्हाट इज मीन्ड बाय लेस हेट एंड ग्रीड, लेस हेट एंड ग्रीड का क्या मतलब है? सेम एज दैट, जैसे मैंने आपको स्टोरी में ऑलरेडी बताया था कि पोइम सुनाते हुए, कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री को एक ऐसे लेवल पर ले जाएँ जहाँ सब हम पे डिपेंडेंट हो, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो, तो उसके लिए हमें एक काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ लेस हेट एंड ग्रीड। हमें अपने हेट और अपनी ग्रीड को कम करना है। अपनी हेट और अपनी ग्रीड को क्यों कम करना है और इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वी शुडंट बी ग्रीडी और शुडंट हेट अदर्स जस्ट फॉर द वेल्थ। सिर्फ एक दौलत ऐसी चीज़ है जो हमें मजबूर कर देती है कि हम सामने वाले से उसकी सामने वाले से हेट करना शुरू कर दें या ग्रीड करना शुरू कर दें कि ये जो चीज़ इसके पास है ये मेरे पास आ जाए और चंद ही लम्हों में मेरे पास आ जाए, चाहे मुझे इसके लिए अच्छे काम करने पड़े या बुरे काम करने पड़े, मुझे करने हैं लेकिन मुझे गेन करना है। तो ये होती है हेट एंड ग्रीड। हेट ये चीज़ है कि आप किसी से नफरत करना शुरू कर दें उसके स्टेटस की वजह से, उसके रिस्पेक्ट की वजह से सोसाइटी में। तो इट मीन्स दैट वी शुडंट बी ग्रीडी और शुडंट हेट अदर्स जस्ट फॉर वेल्थ। दौलत के लिए सिर्फ किसी से हसद ना करें या किसी से बोझ ना रखें। एंड वी शुड टू बी फेयर आर ड्यूटी, जो हमें काम करना है वो सिर्फ ये है कि हमें अपनी ड्यूटी जो है वो फेयरली परफॉर्म करनी है। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज आर नेशनल फ्लैग सिम्बलाइज, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो क्या सिम्बलाइज करता है? द ग्रीन पार्ट इन आर फ्लैग रिप्रेजेंट्स मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। ग्रीन पार्ट जो है हमारे फ्लैग का वो ये रिप्रेजेंट करता है कि मुस्लिम्स की जो हमारे कंट्री में वो मेजॉरिटी ज़्यादा है। एंड वाइट पार्ट रिप्रेजेंट द माइनॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम, जबकि जो वाइट पार्ट है वो माइनॉरिटी शो करता है नॉन मुस्लिम की। इट आल्सो सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी, ये हमारी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी को शो करता है, ये हमारी स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी को शो करता है। हर कंट्री का एक अपना फ्लैग होता है जो उसकी डिफरेंट थिंग्स को सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ जो मून है और जो क्रीसेंट है हमारे फ्लैग में और जो स्टार है, तो उसको देखा जाए तो स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार, देर आर फाइव कॉर्नर्स ऑफ अ स्टार एंड वो जो स्टार है वो हमारे जो फाइव अरकान इस्लाम है उसको सिंबलाइज करता है। और अगर क्रीसेंट की बात की जाए तो क्रीसेंट हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी ब्रेवरी को सिंबलाइज कर रहा होता है कि हम किस तरह तलवार की तरह, एक तलवार की तरह हम तेज़ हैं और हम किस तरह अपनी ब्रेवरी शो करते हैं। और अगर कलर्स की बात की जाए तो कलर्स में सेम एज दैट, जैसे मैंने पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी को शो करता है, जबकि वाइट पार्ट जो है वो मुस्लिम्स की, नॉन मुस्लिम्स की माइनॉरिटी को शो करता है। क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, स्टोरी का थीम, पोइम का थीम क्या है, पोइट कहना क्या चाहता है? अ फ्लैग, द थीम ऑफ द पोइम इज दैट अ फ्लैग प्रोवाइड्स स्पेसिफिक आइडेंटिटी टू अ नेशन। एक फ्लैग जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के लोगों को उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देती है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, इसको सिंबल ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, आज़ादी का निशान भी कहा जाता है। एंड वी शुड बी यूनाइटेड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड सर्व आवर कंट्री सो दैट आर फ्लैग मे राइज। हमें हर हालात में करना क्या है, यूनाइटेड रहना है, चाहे किस तरह के भी हालात क्यों नहीं आगे हमारे कंट्री पे, चाहे वो वार है, चाहे वो पीस है, चाहे हम लड़ रहे हैं या चाहे हम प्यार कर रहे हैं आपस में, किसी भी तरह हमें यूनाइटेड रहना है, हर मसले में यूनाइटेड रहना है ताकि हमारा फ्लैग जो है वो रेज करें।
एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सर्व योर कंट्री टू रेज इट्स फ्लैग. आप अपनी कंट्री को, अपने कंट्री के फ्लैग को रेज करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और अपने कंट्री को सर्व कैसे कर सकते हैं. आई शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई कंट्री. मुझे अपने कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है. आई मस्ट बी लॉयल टू माई कंट्री. मुझे अपने कंट्री से लॉयल रहना चाहिए. एंड फेयर इन माई ड्यूटी. और मुझे अपनी ड्यूटी जो है वो फेयरली परफॉर्म करनी है. किसी किस्म की कोई सिफारिश या कोई गलत काम नहीं करना, या अपनी ड्यूटी में कोई ऐसा काम परफॉर्म नहीं करना जिससे मेरी ड्यूटी जो है वो अनफेयर हो जाए. एंड कलेक्टिवली और मजमूई तौर पर वो मस्ट स्टैंड यूनाइटेड. हमें यूनाइटेड रहना है, एक साथ खड़े रहना है, ताकि हम अपने कंट्री के लिए अपने कंट्री के फ्लैग को रेज कर सकें.